तुझे पता है मुझे एक एक बात यहाँ पे बोलनी थी। चल मैं नीचे नहीं देखूंगा, मेरे को डर तो लग रहा है, बट जब मैं तेरे को फर्स्ट टाइम ऐसे मिला था ना, तो ना तेरे में अकड़ बहुत थी जब शुभम के टाइम हम साथ में मिले थे। नहीं, तेरे को अपने साथ देखे ना, मैंने ना एक दिन पोल किया था अपने यूट्यूब पे कि मेरी जो ऑडियंस है कहाँ कहाँ से बिलोंग करती है। भाई 80% लोग ना मेरे बोलते थे कि हम ना गाँव से भाई, तो हमें ना ये जंगल वगैरह एरिया वाला सारा अच्छा लगता है। ये कर रही है चलते हुए, मैं ही करूंगी तो तुम भी करोगे ना नीचे? तू नीचे देखना यार कितना गहरा है, आराम से। तो मुझे डर रहने लगा तेरी कसम, नीचे देख। मैं इसे व्लॉग में नहीं बोलूंगा, सच में लग रहा है। कर मम्मी की कसम, मम्मी की कसम। इधर क्या हो गया? कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं, आराम से बैठ। कुछ ये क्या हो रहा है इसको? ये क्या? सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप एकदम से बढ़िया होंगे। आज जैसे तुम देख पा रहे हो ना, आपका भाई बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि कल मैंने श्वेता को मतलब मना लिया था कि तू दिल्ली नहीं जाएगी। अगर तेरे को कुछ भी प्रोफेशन करना है, कुछ भी काम करना, हमारा जम्मू काफ़ी है भाई। यहाँ पे यहाँ के लोग भी अर्न कर रहे हैं अच्छे से, तो आज तुम्हारा भाई बहुत खुश है। और इस खुशी के कारण मैंने उसको एक कॉल करी है। मैंने उसको बोला कि आज हम मे बी हम कहीं लंच करने जाएँ, या तो मतलब कुछ स्पेशल मैंने प्लान करा हुआ उसके लिए। अभी यहाँ से अपना हेलमेट उठाते हैं, नॉर्मल जैसे आप डेली व्लॉग देखते हो ना भाई मेरे, तो मतलब कुछ ना कुछ यूनिक होते रहता है, कभी लड़ाई होती रहती, कभी कुछ। आज ना तो लड़ाई करनी है ना कुछ, आज हम सीधा निकलेंगे घर से विदाउट मतलब प्लानिंग। तो आज भाई तुम्हारा ना बिल्कुल नॉर्मल व्लॉग शूट करेगा, मतलब जो मेरे रियल लाइफ में चल रहा होगा ना वो तुमसे मैं शेयर करूंगा। तो देखते हैं भाई अपनी जनता आज वाले व्लॉग पे कितना ज्यादा प्यार दिखाती है। सबसे ज्यादा बोरिंग काम मेरे को ना इस हेलमेट का लगता भाई, क्योंकि ना इसको लेना पड़ता, क्योंकि बाइकर जो होता है ना, बाइकर को हेलमेट साथ में दोनों लेने पड़ते हैं। बोलते हो ना डेली व्लॉग करो भाई, तो पक्का डेली व्लॉग करूंगा, लेकिन आज वाले व्लॉग पे अगर तुमने प्यार दिखाया तो चलो मैं दिखाता हूं। पहले मैं पिक कहां से करता हूं श्वेता को, यहां से निकलते हैं अपने घर से, जो मेरा घर है भाई वो उसके घर से ना मान लो 25 किलोमीटर दूर है। ओके, तो मैं डेली उसको जाता हूँ पिक करने के लिए, उसके बाद उसको वापस ड्रॉप करता हूँ। वो बंदा आपके साथ होता है ना, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको पिक करना, घर ड्रॉप करना, वो मेरे तक होता है। ओके, और हमेशा की तरह क्या होता है ना कि भाई श्वेता पहले ही अपने स्टॉप पे पहुंच जाती है और मैं हमेशा लेट होता हूँ, और वो मेरे साथ जब लेट हो जाता हूँ मैं, तो वो पूरे दिन गुस्सा करती है यार। तो मैं सोच रहा हूँ आज मैं पहले पहुंच जाऊंगा ताकि ना वो गुस्सा ना करे। ओके, मेरे साथ शुभम भाई था ना यार, तो शुभम भाई ने श्वेता को अपने साथ लाया था जब फर्स्ट टाइम हम मिले थे। मतलब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा तो भाई तुम्हारा ना मतलब मुझे पसंद आ गई थी, मतलब अच्छी लगती थी यार, कॉज इसका लुक भी अच्छा लगता था, वे ऑफ टॉक भी ठीक था। मैंने इसमें एक चीज देखी श्वेता में, ठीक है, इसमें एटीट्यूड बहुत ज्यादा था यार। मैं देखो ये अकड़ती क्यों है यार, तो शुभम के साथ जब ये बात करती थी मेरे साथ बात नहीं करती थी, तो मतलब मेरे ना वो चीज पकड़ ली यार, ये लड़की अकड़ रही है ना, सोच लिया उस दिन के इसको अपना फ्रेंड बना के रखूंगा जो मर्जी हो जाए। तो भाई देखो ना किस्मत की क्या बात होती है। ये वाली बात ना मैं यहाँ नहीं करने वाला हूँ, ये मैं उसके सामने करूंगा कि कब मेरे को अच्छी लगने लगी थी श्वेता, उसके फेस टू फेस पूछूंगा आज तुम्हारे सामने। देखो तुम पहले नहीं पहुंचनी चाहिए, अगर वो मेरे से पहले पहुंची होगी ना कसम से बहुत गुस्सा करती है यार, क्योंकि उसको धूप में खड़ा रहना पड़ता है ना। और आपको पता है यहाँ पे शॉपकीपर जो होते हैं ना भाई, ये भी नहीं चाहते कि कोई बंदा फालतू में खड़ा रहे। ओके, गर्मी होती है ना, तो वो बोले एक बार उन्होंने अंकल को बोला कि यार हमें अंकल अंदर बैठने के लिए जगह दे दो मेरे को यहाँ पे, तो भाई उन्होंने ना लड़ाई करना स्टार्ट कर दी यार यहाँ पे। अरे यहाँ उससे पहले पहुंच जाऊं तो देखो पहले ही पहुंच गई है भाई। शिट भाई, पहले ही पहुंच गई है मेरे से यार। क्या कर रहे हो? जूस ले रहे हो? दो किसके लिए? तो दो है ना, एक एक मेरे लिए भी है। आप कब आए यहाँ पे अभी? तारीफ कर, लव यू टू, अच्छी लड़की है बता, इससे शादी कर ले। क्या मेरे साथ थोड़ी ना शादी होगी यार, शादी वाली बातें नहीं करनी होती, अभी छोटे हो क्लास में, पहले इस दोनों की शादी हो जाए। ओहो, अभी शादी वाली बातें थोड़ी ना करनी है, अभी मेरे को पढ़ना है। हाँ अभी पढ़ना है इसको, तो इसको भी लेके सुंदर बोला ना इसको, इसीलिए ये तुम्हें ना ये जूस वगैरह दे रही है। माता का फोटो ना घर पे अच्छे से लगाना चाहिए अंदर, तो यहाँ पे नहीं ना चलाना इसको, कभी नीचे रह जाती कभी कहीं ऊपर करके, इसमें नहीं रखना ठीक है, घर पे ले आना इसको। धक्का मार दिया, देखो भाई कैसी लड़की है, आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। श्वेता क्या बोलती है? अभी बोलने वाला हूँ इसको मैं, कहना मैंने तेरे को कैसे पसंद किया था, मतलब कब मेरे से को तो अच्छी लगने लगी, देखते इसका इंप्रेशन कैसा होगा। आज ऑडियंस को कुछ बोलना है, मैंने पता है बोलना है कुछ, मैंने रखा है कुछ सोच के दिमाग में, जल्दी वियर करो इसको। कैसे करना पता नीचे बोलता हूँ, नीचे करने के लिए कॉज ना टैनिंग ना हो फेस पे, चेहरा जो होता है ना लड़की का एक निखार होता है, अगर चेहरा काला होगा तो ना फिर लड़के पसंद नहीं करते उसको, पता है। तुमने कैसे पसंद किया? मैं हाँ तो उस दिन तो अच्छी बन ठन के आती थी ना, बड़ी अच्छी लगती थी यार। जिस दिन हम शिकारगाह में मिले थे शुभम, जिस दिन हमारे साथ था, मैं तो तुम्हें सच बात बोलूंगा ना भाई, मैं पे शेक ऑर्डर करा था, 3 शेक्स का ना मैंने भाई 1500 रुपए दिए थे वहाँ पे जानबूझ के उसको, ताकि इसको अच्छा लगे भाई। सोच रहा था तो तेरी ये टेंशन मेरी तरफ आए। हाँ भाव नहीं देती, तेरे में एटीट्यूड था ना बहुत, वो जो तेरा एटीट्यूड है ना उससे मेरे को बहुत जलन होती थी, गुस्सा आ रहा कि यार इस लड़की,
हाँ मैंने वही बोला था कि मेरे को एटीट्यूड जो दिखाता ना भाई, मैं बिल्कुल मैं ऐसे सोचता ना कि ये लड़की ने मेरे को एटीट्यूड दिखाया कैसे। तो मैं कॉल की, तुमने कैसे कॉल उठा ली? अननोन लड़की कॉल क्यों उठा ली? एक ही लड़की के साथ कर रहा था रात को यार, कश्मीर की थी भाई वो। अगर ब्लॉग देख रही होगी अभी तो भाई कमेंट करके जरूर बता देना। मेरे को ये बोला कि भाई मेरे साथ एक लड़के ने स्कैम किया, ये बोला कि ना तुम ये हो, मतलब मेरी फोटो लगा के बात की है एक लड़के ने उसके साथ 2 साल से भाई। वो लड़की ना रोने पे चढ़ गई यार, मैंने ना तुम्हें सामने देखा, मैंने तुम्हें ढूंढा भाई। भाई मैं ऐसे बहुत इमोशनल हो गई, मैं आपको लाइक करती हूँ, ऐसा वैसा सीन हो नहीं सकता लाइक वगैरह के। बता आप कश्मीर कब आओगे? बोला फॉर श्योर मैं जल्दी कश्मीर भी आऊंगा, फिर वहां जाके हम मिलेंगे। नहीं मिलेंगे नहीं, मतलब ऐसे बात बात करेंगे, मीटअप रखेंगे ना यार। बाइक से? वाह यार, इसको बड़ी जेलस होती है जब मैं किसी लड़की के साथ बात करता हूँ ना। राइट से पहले जाने से ये बोलती है, नहीं कैसे बोलूं यार, बात की नहीं कर रही थी राइट पे जाने से पहले। सो गाइस राइट से मेरे को बात जाने से पहले कुछ खा लेते। सो गाइज राइड पे जाने से पहले ना ये लड़की मेरे को बोल रही थी हम कुछ खा लेंगे, तो यहाँ पे हमेशा इसकी जो फेवरेट शॉप है यहाँ नान वाली, यहाँ मेरे को लेके आती है और मेरे को ये बोलती है कि ना अगर तेरे पास बहुत सारे पैसे भी होंगे बाद में भी, तब भी हम इसी शॉप पे आया करेंगे, बिकॉज यहाँ पे सारे रेट्स वाली जगह नहीं जाना है। क्यों? वहाँ पे पैसों की सेविंग करना ना तो। हाँ तो पैसों की सेविंग क्यों करनी है मुझे ये बताओ? पैसे सेव होंगे तभी तो तुम्हारी जीनो सुनाएगी। हाँ तभी तो Z900 भी पूरी नई वाली लेनी है। फिर हमने अभी हम कहीं जा रहे हैं भाई घूमने के लिए, मैंने बोला था कि आपको ना गंडोला राइड के लिए हम जा रहे हैं, तो लेट्स सी देखते हैं वहीं जाने वाले। लेकिन वहाँ पे ना गूगल पे वगैरह चलता नहीं होगा, तो मैं सोच रहा हूँ पहले ATM से पैसे वगैरह निकाल लूँ। 1500 की टिकट होगी, फिर हमने चढ़ना है नहीं चढ़ना गंडोले पे बताओ जल्दी। नोट तो आएंगे बाहर, नोट हमने कमाए हैं तो आने नहीं चाहिए क्या तेरे हिसाब से? एक बात बोलूं मैं भाई, एक टाइम ऐसा हुआ करता था ना, मैं सोचता था जब मैं 500 लिखता था ना यहाँ पे, मैं सोचता था काश यहाँ से 1000 निकल जाता। लेकिन अभी आज ना खुद की ऐसे कमाई जब देखता हूँ ना बड़ी खुशी मिलती है यार। जब खुद का किया हुआ पैसा आपके पास होगा ना भाई, तो मतलब वो बात अलग होती है। तो गंडोले की राइड है ना वो आई थिंक ना यहाँ से अंदर रास्ता जाता है एक मंदिर के लिए, ये वाला रास्ता ना पूरा फॉरेस्ट वाला है, तभी मैं इस वाले रोड से आ रहा हूँ। तेरे को पता नहीं है कि यार मंदिर है? ये कहने का मतलब ये है तेरा कि तू मेरे को लेके नहीं आया यहाँ पे ना। मैंने ना एक दिन पोल किया था अपने YouTube पे कि मेरी जो ऑडियंस है कहाँ कहाँ से बिलोंग करती है, भाई 80% लोग ना मेरे बोलते थे कि हम ना गांव से भाई, तो हमें ना ये जंगल वगैरह एरिया वाला सारा अच्छा लगता है जो भी है भाई गांव से बिलोंग करते हैं, तो बड़ी बड़ा अच्छा लगता है। तभी मैं आज इस वाली साइड आया, यहाँ टॉप लोकेशन है। अब मैं यहाँ पे बाइक को अपनी पार्क करूंगा। तुझे इतना भी नहीं पता कि इस जगह पे भी मंदिर है? नहीं था पता। ये देखो ये वाला जो पीछे टेम्पल है यहाँ पे पूरा ना क्रॉस करके ना पार वाली साइड जाना हमने। चल जल्दी आ जा, अब यहाँ से थोड़ा चलना है पैदल, थोड़ा सा मतलब रास्ता होगा। लेकिन ये देखो कितना ज्यादा ग्रीन है भाई, तो मुझे नहीं लगता इसको इसके और मेरे अलावा भाई कहाँ पे। हाँ करवाएंगे ना भाई, इंस्टाग्राम पे भी प्लीज फॉलो कर दो हमें, और साथ में ना मैं चाहता हूँ मेरे ना 50K जल्दी से जल्दी कम्प्लीट करा दो। जो भी मेरे यूट्यूब पे लोग सब्सक्राइबर देखते ना, तेरे 10K हो गए, बाकी इसको कांग्रेस करना 10K के लिए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, यहाँ पे डोर बंद है बट हम खोलेंगे खुद से, ठीक है? तो ये चेक करो पूरा भाई, यहाँ अंदर वाली साइड से जाना। ये अच्छा लग रहा है कि गाइस फाइनली भैया से हमने टिकट्स तो ले लिए हैं ये वाली, अभी श्वेता और मैं जाएंगे। सो गाइस भैया बोल रहे हैं बैठ जाए, तो फाइनली हम आ गए गंडोले के अंदर। मतलब एक अगर चलता है ना उसके साथ सारे चलते हैं। बंद कर दो। बंद कैसे हो गए? खुद होगा बंद। तुम कर दो ना ऐसे करके। मैं कैसे बंद करूं? वुमेन खुद तो हो गया। मैं इस वाली क्या क्या हो रहा है? ये देखिए यहाँ से जा रहे पार वाली साइड से। तो आप तेरे को ना मैंने एक बात बोलनी थी यहाँ पे, अब हम गंडोले में भी आ गए। कितना अच्छा लग रहा है, डर क्यों रही? कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं, आराम से बैठ। ये क्या हो रहा है इसको भाई, चेक कर रहे हो तुम? ये क्या कर रही है चलते हुए? मैं गिरूंगी तो तुम भी गिरोगे ना नीचे। तू नीचे देखना यार कितना गहरा है, आराम से। श्वेता मुझे डर लगने लगा तेरी कसम, नीचे देख श्वेता, नीचे देख भाई। अब सच में लग रहा है, मैं सिर्फ व्लॉग में नहीं बोलूंगा, सच में लग रहा है। कर मम्मी की कसम, मम्मी की कसम। मुझे खुद डर लग रहा है भाई, ना हो गया, विंडो भी नहीं खुली है। श्वेता ये स्लो क्यों चलने लगा यार भाई, सच में डर लग रहा है। मतलब मार देना मैं। तो मैंने क्या किया? ये क्या कर रही है यार, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही है। तुझे पता है मुझे एक बात यहाँ पे बोलनी थी। चल मैं नीचे नहीं देखूंगा, मेरे को डर तो लग रहा है, बट जब मैं तेरे को फर्स्ट टाइम ऐसे मिला था ना, तो ना तेरे में अकड़ बहुत थी जब शुभम के टाइम हम साथ में मिले थे। तो आज फाइनली तेरे को अपने साथ देखे ना, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये वही लड़की जिसमें इतना ज्यादा एटीट्यूड था। और मतलब और इसके लिए ना जब फर्स्ट टाइम हमें शिकारगा में मिला था, मैंने ना 60 ओ भाई ये देखो यार, ये साथ वाले गंडोले कितने अच्छे लग रहे हैं, तो साथ में जा रहे हैं।
कुछ नहीं होगा, सोचा कर ही नीचे गिर के यार यहाँ से। किक मारनी है मैंने तुम्हें, दूसरे में शिफ्ट कर देना ही। यहाँ से कैसे दूसरे में शिफ्ट करोगे? आगे भाई नीचे रोड के साथ बिल्कुल क्लोज में आए तो देखो वहाँ पे ना रोमांस चल रहा है स्कूटी पे, देख रहे हो? ये क्या हो रहा है इसको? एसी भी लगा देते इसके अंदर। अगले साल अंकल यहाँ एसी लगाना जरूरी है। खुद तो आप एसी के नीचे बैठे हो, हमें गंडोले में चढ़ा दिया, पूरी शर्ट गीली हो गई, क्या फायदा ऐसी राइड का? विंडो भी नहीं खुली, ऊपर से विंडो भी नहीं खुल रही। तो सर्दियों का मौसम आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली। हाँ वो तो बस अब ठीक है, लेकिन चलो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा भाई यहाँ पे एसी वगैरह भी होना चाहिए। आपने बोला पीरखू वाला इससे भी बड़ा है? वाला जो गंडोला ना भाई ये उससे भी बड़ा है, ठीक है? हमारे जम्मू में तो ये दो जगहों पे, बट यहाँ पे लोग ज्यादा आते नहीं है अभी यार, पता है हम इतने दिन के बाद आए। मैं तो संडे को बहुत आता नदी को, तभी नदी को क्रॉस करके। ये तो बहुत ज्यादा प्यारा है ये वाला, जो तभी नदी वाला श्वेता, ये वाला देखना, ये वाला चेक करना। हाँ ये पानी के ऊपर से जाएगा ये वाला, ये वाला बंद है ना अभी, नहीं तो हम इस वाले पे चढ़ते, ये सबसे बड़ा था ये वाला गंडोला। जाना कहाँ तक है? पार वाली साइड जहाँ से तेरे फोटोग्राफ नहीं खींचे, वो जो पार्क है। हाँ पार्क में, हाँ पार्क में जाएगा यहाँ से पूरा। हाँ वो पार्क है ना, वो देखो पार है, देख पार वाली साइड। कुछ टाइम होता है ना अपने लिए रखना चाहिए। हाँ वो बात, लोगों के बीच में नहीं, बस लोगों के बीच में बाइक लेके घूमते रहे, कभी ट्रैफिक में, कभी पुलिस वालों के आगे, कभी रेस्टोरेंट में। ये हाँ मतलब ये कितनी मतलब शांति थी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वो तो बात इसकी बिल्कुल सही थी, मतलब बिल्कुल शांत फॉरेस्ट एरिया था वो नीचे गंडोले के। हाँ वो तो सबसे प्यारा था, मतलब कुछ मोमेंट्स ना खुद तक रखने चाहिए। हाँ मेरे को स्टार्टिंग में लगा बट मैं चढ़ा नहीं था पहले, तो भाई सॉरी मैं नहीं चढ़ा था भाई गंडोले में, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है, बट ऐसे मैंने सच बोला। हाँ तो तभी तुम डर नहीं रही थे ना, मैं डर रहा था इसीलिए। पेरिस की लोकेशन को बाय बाय बोलते हैं। देखो यहाँ पे एक स्कूल सा बनाया छोटा सा। गाइस अभी हमने श्वेता को घर ड्रॉप कर दिया था, हमारे सब्सक्राइबर भी आ गए, एक चक्कर हुई अपना भाई है। चलो भाई इनके साथ फोटो शूट करते हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ बड़ी तेज आ रही है, पीछे साइड आओ थोड़ा। तो गाइस आज के जो व्लॉग था ना बिल्कुल सिंपल होकर बनाया तुम्हारे भाई ने, मतलब जो रियलिटी है वो दिखाई आप लोगों को। और तुम कमेंट करके बताओ इस वाले वीडियो पे तुम्हें कैसा लगा ये व्लॉग। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, और मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर दो, जैसे तुम्हारे भाई ने बोला यार 50 की ये करवा दो कंप्लीट। सारा प्यार तुम सब लोगों के लिए, आई लव यू ऑल, राइट सेफ राइट हार्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल।